वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करूंगी। ऑफ कोर्स किचन से हम यहाँ पर आए ना तो सारे बाल वाल आगे पीछे हो गए। अच्छा जी, बात करेंगे हम आपा से, और आपा भी देख रही थी एक दो चीज़ें बीच में ऐड हुई, जैसे किचन में हिंग इस्तेमाल हुई, और अक्सर जैसे हुमैरा ने भी बताया कि पेट में मरोड़ होते हैं गैस वगैरह के, इसके लिए कितने बेनिफिट है। फिर शाह साहब ने भी बताया कि किस तरह हम अगर हम मनक्के में से ये निकाल दें, उसकी छोटी सी जितना उसका साइज है, तो ये हमारे लिए कितने। तो मैं आपस में पूछूंगी, आप क्या कहना चाहते हो आप? जी हाँ, हींग के लिए जैसा कि हुमैरा ने बताया, बहुत ही अच्छी मालूमात दी। लेकिन हींग सर्दियों के मौसम में न्यू बॉर्न बेबीज के लिए अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन अतिया है, बेहतरीन इनाम है। वो बच्चे जो सर्दियों में पैदा होते हैं, उन्हें कंजेशन हो जाता है, अक्सर दमे का प्रॉब्लम हो जाता है, और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। बड़े बच्चों को तो आप देख लेते हैं दवाओं के ज़रिए, किसी भी स्टीम के ज़रिए सर्वाइव हो जाता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ हमेशा से ये दस्तूर है कि जब भी सर्दियों में बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ी सी हींग लेकर एक कपड़े में बांधकर उसके पाँव में बांध देते हैं। अच्छा, ओके। मासूम बच्चे के पाँव में, पर अल्लाह के फजल से वो पैर की बंधी हुई हींग उसको तमाम मौसमी असरात से महफूज रखती है। अच्छा। किसी किस्म की उसको वेदर में मौजूद एलर्जी नहीं हो पाती, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, हर चीज़ की तरफ से बच्चा प्रोटेक्ट हो जाता है। और हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर्स को भी थोड़ी सी हींग पैरों में बांध देते हैं तो वो आसमानी आफात व बलियात से भी महफूज रहती हैं। कि हमेशा से बड़े बूढ़े घर के मगरिब के बाद बच्चियों को घर से बाहर जाने को मना करते हैं, खुले हुए बाल करके मत जाओ, बहुत सारी ये मिथ हैं। मिथ नहीं है, इनमें बहुत हकीकत भी है, और पुराने लोगों की बातें झूठी नहीं हुआ करती। तो हमारे यहाँ आज भी जो नई बच्चियां हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके पैरों में थोड़ी सी हींग बांध दी जाती है। अच्छा। और वो फिर बिंदास कहीं भी जा सकती हैं, बाल खोल के जाएं। आजकल तो ज़ाहिर है खुले बालों का फैशन है, आयरन की, बॉन्डिंग की, और चलते ये भी कुछ राज की बातें होती हैं, ये जानते हैं जो लोग सीनियर होते हैं, या ऑफ कोर्स जिन्होंने दादा दादी बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो वो नॉलेज आगे ट्रांसफ़र हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जब पुराने लोगों का एक दौर ख़त्म हो गया, अब नया सिस्टम चल गया, तो इन चीज़ों को लोग, कुछ लोगों को कहते हैं ये बस ऐसे ही बातें हैं। लेकिन नई और पुरानी जो रविश है, नई जो ट्रेडिशन है, वो अगर पुरानी रिवायात को ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगी तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि नए लोगों को वो बातें नहीं पता होती हैं। देखिए, आपने अजल से सुना है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। पुरानी चीज़, नया 9 दिन, हकीकत यह है कि पुरानी चीज़ों को ऐड करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुरू में जो आपने बातें की वो भी बहुत प्यारी बातें थी, एक फैमिली का जो माहौल है, एक बच्चों की बाउंडिंग है, हकीकत में उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। और अब जब जैसे कि बच्चा है, आपने कहा माँ से कहो कि बहुत प्यारी लग रही है, बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हर बच्चे से कहना चाहूँगी कि वो अपनी माओं के साथ इजहार मोहब्बत ज़रूर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत इजहार मोहब्बत करते हैं, और मेरा ख्याल है यही इंसान को जवान और एक्टिव रखता है, सेहतमंद रखता है। देखिए, मौत ज़िंदगी सब अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन जो आपका इन्वायरमेंट होता है उससे आपको तकवीत मिलती है, और उसी से आप कमज़ोर हो जाते हैं। अपने माहौलों को खूबसूरत बनाएं, अपने बच्चों की तरबियत, माँ की गोद बच्चों की बेहतरीन तरबियत कहा है, अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों को गाने सुनाने के बजाय, पोयम सुनाने के बजाय आप सुनाएं उनको अहदीस नबी, आप वाकयात सुनाएं हमारे अम्बिया के, तो आप सोचें कि उसमें कितना सहर है, और अल्लाह के फजल से बच्चे फिर वैसे उठते। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने तमाम बच्चों को पूरी दोपहर लोरियां कभी नहीं सुनाई, इनको अहदीस नबी सुनाई। आज भी बच्चे जब बड़े हो गए तो मैं इनको वाकयात सुना, अम्मी बस करें।
जबानी याद होगी। अच्छा ये हकीकत है, मेरे वाले साहब अल्लाह उनको जवारे रहमत में अल्लाह पाक अपनी जगह दे, तो वो छोटे, वो मेरे बड़े भाई के बच्चे थे ना, तो वो हर जुम्मे को ना बस उसको गोद में लेके सहन में नमाज जब पढ़ के आते थे जुम्मे को, तो कुछ तस्बीहात पढ़ते थे तो ज़ोर से ना अल्लाह का जिक्र करते थे 99 नाम। तो वो जबानी नाम मुझे अपने वालिद साहब ने जितनी लाउड वो बोलते थे ना, और वो छोटे को कान में जैसे वो आंखें थोड़ी सी हो तो उसको झुलाते रहते थे ना, वो पढ़ते आते थे वल्लाह, वो जैसे जैसे पढ़ते थे ना वो हमारे कानों में आवे, मुझे जबानी उनकी वजह से याद हुआ रियली। वो रेगुलर मेरे कानों में वो चीज़ पड़ी ना, तो ये चीज़ हकीकत है। देखिए हम कितने भी तरक्की याफ्ता हो जाएं, अपने असलाफ को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब मुर्शिद हैं, हम ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी के मुरीद हैं, और जिसके पीछे किसी मुर्शिद का हाथ होता है वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि हमारे पीछे एक सिलसिला है। तो हमारी जब हमने प्रोडक्ट का आगाज़ किया तब भी ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी से ही पूछ कर किया, उनकी राय से किया। जब मैंने पार्लर खोला तब भी मैंने उनसे पूछ के किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने पीर मुर्शिद की इजाज़त से हर काम करते हैं। और जिसके पीछे आप किसी भी सिलसिले से बैत होना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नहीं वैसे भी एक बात बताऊँ, वो तो एक अलग आपका भी ये अच्छी बात है, रिस्पेक्ट है। और वैसे भी कुछ भी काम शुरू करें तो अपने घर वालों से, अपने दोस्त अहबाब से मशवरा लेना ज़रूर, वो आपको राय अपनी इजहार कर देगा। क्या है कि आप ये बिज़नेस शुरू करें ना करें, इस जगह अपने ऑफिस लें ना लें, कभी कभी कुछ खुद से छुप छुपा डिसीजन होते ना वो। ये रिसेंटली यार शाह साहब याद आ गया मुझे, निगत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उस बेचारी ने कहीं बोले सरप्राइज करूँगी, वो कहीं उसने बड़ी अच्छी एक कॉलोनी में सोसाइटी थी, उसने वहाँ पे एक सलोन घर के मतलब वो ना फ्लैट्स वगैरह, उसने बड़ा लविश 4 yard का बबड़ा सलोन बड़ा बना दिया 3 lakh सिर्फ उसके अंदर लिया। वो कितना एक्सपेंसिव, वो तो बहुत ही अलग अमाउंट है, 1.5 crore का वो डेकोरेशन पे 3 lakh 4 lakh लगाए। और जैसे ही उसने, हर कोई पूछ रहा था तो उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, जब वो ऑन किया ना तो उन्होंने आगे से आ गया लेटर, भैया इस एरिया में तो सलोन ही नहीं, आप घर के अंदर बना सकते हो। वो सर पकड़ के बैठ गई, कहती मैं तो सोची थी मैं सबको सरप्राइज दूंगी, वो कहते हम अपने एरिया में सिर्फ लोगों को रिहाइश देते यहाँ कारोबार करने नहीं देते। ओ माय गॉड, उसको मैंने कहा अगर वो किसी से मशवरा कर लेती तो पूछ लेती वो नहीं करते ना। बराबर में लोग आ भी रहे, पड़ोसी है जो भी पूछ रहे हैं, तो वो नहीं बता रही ना, अगर वो बता दे कोई कहता भाई आप क्यों पागल इतना नुकसान कर रहे हैं। पड़ोसी तो लेटर भेजा ये क्या हो रहा हम लोग भी है सभी जी। दिन गुजरता है, सुबह हो गई शाम हो गई, जिसने हंस के गुजारा तो भी गुजर गया, जिसने लड़के गुजारा तो भी गुजर, क्योंकि हंस के गुजारे तो बहुत अच्छा रहता है। वो याद आती है बार बार, याद आती है बार। और हमेशा याद करो अपने उन लम्हात को जो आपको सुकून देती हैं, खुशी देती हैं। आप उन लम्हात को याद ना करो जो आपको टेंशन देती हैं। आप खुशी को याद करोगे तो आपका दिन और आने वाले दिन भी बहुत अच्छे गुजरेंगे, आप एंजाइटी से निकल जाओगे। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने। इस सुबह भी मैं मैसेज यही देती, आप तो थोड़ा लेट आए थे ना इसीलिए तो मैंने आपको आपकी जगह में ही बोला। तो यही बात है, सुबह भी मैं यही कहती, आपने भी अप्रिशिएट किया हमारा। लेकिन सभी यकीन कीजिए, चाहे जैसा भी हो, शो होते रहते हैं, प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, आपके पास आते हैं, एक घर जैसी बात होती है, एक माहौल मिलता है, ऐसा लगता है जैसे हम अपने अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, हम अपनी इज्जतों के साथ बैठे हैं, इतना अच्छा लगता है मुझे। आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत प्यार है बस आप। हालांकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं किसी को किसी से कोई लालच नहीं है, लेकिन सब एक मोहब्बत में आए हुए हैं, बड़ी बात है। अच्छा दूसरी बात ये कि बस इसी तरह ही इन लोगों के साथ वक्त गुजर जाता है, इनकी मोहब्बतें हैं, और मुझे आप लोगों की ढेरों दुआएं चाहिए। मैं सिर्फ एक लेके छोटा मोटा काम जिसे कहते हैं एक कोशिश कर रही हूं कि मैं तो सीधी बात बोलूं, मैं तो पेट भरने, हमारी शेफ बहुत अच्छा बनाती है और मैं इनके हाथ का खा के जाऊंगा। जी शहजाद भाई प्लीज रोटियों का इंतजाम कर लीजिए। और वैसे भी मैं एक बात बताऊँ, ये बड़ी राज की बात है सर, मैं सच कह रही हूँ कि आपके घर में पहले लोगों के घर में बहुत लेविश किसी का घर नहीं होता था,
लेकिन दस्तरखान लगते थे तो उनके रिस्क की कभी कमी दिया जाता था। मुझे अच्छी चाह रहा है, खानों का तबादला होता रहता था, किसी के नसीब से आपको वो कहते ना अल्लाह पाक रिस्क पहले देता है। मैं तो घर पे जाता था तो किचन में जाता था, प्लेट में डालता था, साथ में रोटी भी रखता था, बस चक्कर में जाके दे आता था पड़ोस में। अम्मा ने भेजा, हालांकि उन्होंने नहीं भेजा होता। ये जो चक्कर है ना, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और यही इनकी खूबसूरती का राज है। खुश खुश रहे, एंजॉय करो लाइफ को। अच्छा जी, हम बात करेंगे, उमेरा आपसे बात मैं करना चाह रही थी, लेकिन मैं जाऊंगी मुस्तफ़ा के पास और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मुस्तफ़ा से करना चाहूंगी कि हम लोग जैसे अपनी इन्वायरमेंट की बात करें, हैपनिंग्स की बात करें, और आज था टॉपिक हेयर से रेलिवेंट, मुझे एक बच्चों से रेलिवेंट बात करनी है कि कुछ लोगों के बालों की, जैसे उन्होंने होम रेमेडी भी दी मुझे, कुछ लोगों की मर्द हजरात के, चले हम लोग पैचेस बड़े बड़े पड़ जाते हैं और गैप आना, और मर्दों के बाल आना बड़ा मुश्किल होता है, ये मैं देखती हूँ कि गैप आ जाए तो वो कवर होना बड़ा मुश्किल है, क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है या तो ये एलोपेशिया की वजह से होता है जिसको बाल खुरा कहा जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, कभी कभार सर में फंगस या कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तीसरा इसका जो ताल्लुक है वो मसाम की वजह से भी हो सकता है, और इसका चौथा जो मामला है वो डस्ट एलर्जी या वो खुश्की जो बालों के अंदर ज़्यादा सर के ऊपर, जिसको हिडन डैंड्रफ कहा जाता है। तो उसके लिए आप ये तीन चीज़ें, सबसे पहले आपको मंगाना पड़ेगा रोगने चंबेली, चंबेली का तेल, ठीक है। दूसरा लेना पड़ेगा इसके अंदर गोल्डन बाल छड़, ओके, और तीसरा, जी और तीसरा इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करना पड़ेगा आपको वही अत्रिपल, ठीक है। बस इन तीनों चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा तेल के अंदर बॉयल कर लीजिए, इतना बॉयल कर ली चीज़ जल जाए तो इस तेल को फिर थोड़ा सा किसी बर्तन में निकाल कर रात को सोने से पहले रुई की मदद से जहाँ जहाँ बाल ख़त्म वहाँ लगाइए, बच्चों को बड़ों को लगाएं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वहाँ बाल भी आ जाएंगे, खुश्की भी खत्म हो जाएगी, वो पैसेज भी आपके बनना शुरू हो जाएंगे। ये गोल्डन बाल छड़ का कोई दूसरा नाम होगा? अब इसका फिलहाल मुझे नहीं, मैं आपको बताता हूं। इसे अफ्तेमून भी कहते हैं, ये दरख्तों के साथ नहीं लिपट जाती है, घास की तरह होती है, ये सुनहरे कलर की होती है, हालांकि वो बालछड़ नहीं होती है, लेकिन लोग बालछड़ का नाम दे देते हैं उसे, ये अफ्तेमून कहलाती है। क्या बात है। अच्छा चलें जी, हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से कि नेक्स्ट हमने ट्यूजडे को, ठीक है, हम लोगों ने स्पेशली डिस्कस करनी है, और जिस तरह हम लोगों की इसी तरह होम रेमेडीज, मैं नाज़रीन को बताना चाह रही हूँ कि इसी तरह ये पूरा हमारे साथ एक बैज होगा जो प्रेजेंट करेगा एक नया टॉपिक, मैं इनसे पूछ लूंगी तो हम लोग सरप्राइजिंग फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने किस मौजू पे बात करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने प्रोग्राम मिस नहीं करना, मेरे बहुत अच्छे मुस्तफ़ा अनीस, थैंक यू सो मच, एंड रानी अपा आपका बहुत शुक्रिया, हुमैरा नाज आपका बहुत शुक्रिया, एंड शाह नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।